हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल के साथ साथ मेरी प्रेगनेंसी भी है, जिसकी वजह से मैं एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पे। लास्ट मंथ में व्लॉग्स डाले थे, इस मंथ मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला है बिकॉज हेल्थ इश्यूज भी हैं कुछ, और प्रेगनेंसी हर चीज़ में शूट करके एडिट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज शूट भी मुझे ही करना है, एडिट भी मुझे ही करना है, तो फिर मैं थोड़ा सा मतलब आलसी हो जाती हूँ कि अब मुझे एडिट भी करना है, फिर उसमें एडिटिंग में भी दस तरीके के वो, तो मैं नहीं कर पाती हूँ अभी। बट ये वाला जो व्लॉग है, ये मोस्ट डिमांडिंग व्लॉग जो भी रिसेंटली इतना ज़्यादा मेरे कमेंट में है कि बताओ, मेरी सिस्टर की रिसेंट जो शादी हुई है वो, और उससे डाइवोर्स क्यों किया, तो उसे शादी क्यों कर ली। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कंसर्न है, लिटरली उससे कंसर्न है, जो लोग जानना चाहते हैं कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उसको डाइवोर्स लेना पड़ा। और कुछ लोग जिनको कुछ नहीं पता है, सिर्फ बकवास करनी है, शादी कर ली दूसरी, शादी करना थी तो पहले पति के साथ रह लेते, लाइक दैट टाइप की बातें। तो आज इस व्लॉग में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करूंगी कि उसने डाइवोर्स क्यों लिया, एक 4 साल की शादी निभाई उसने, फिर उसके बाद नहीं उससे सहन हुआ तो उसने डाइवोर्स क्यों लिया, उसके डाइवोर्स लेने के एक मतलब वहां से आने के 1.5 साल बाद डाइवोर्स लेने के बाद शादी क्यों की। तो पहली बात तो ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि शादी क्यों की, हर लड़की करती है क्या, कभी किसी ने दूसरी शादी नहीं की है? जो भी मेरा ब्लॉग देखा किसी ने भी किसी से दूसरी शादी नहीं की, हर कोई करता है, हर किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का भैया राइट्स है अगर उसने की है तो। और जिन लोगों को कंसर्न है वो तो बहुत ही अच्छी बात, जिन लोगों को कंसर्न नहीं सिर्फ बकवास करने, आप लोग होते कौन है ये बोलने वाले कि उसने शादी कर ली दूसरी? कर ली उसने, आप आए थे क्या उसकी पहली शादी में जो भी उसके साथ हो रहा था वो सब देखने के लिए, या उसके लिए स्टैंड लेने के लिए आप लोग थे? नहीं, जमा नहीं थे तो यहाँ भी आके बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अभी मैं स्टार्टिंग से वर्ड टू वर्ड सारी चीजें क्लियर करूंगी। सबसे पहले तो ये कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो मेरे ही घर में, मेरे ही घर में उसकी शादी हुई थी, मेरे देवर से, मेरा कोई देवर था जिससे, मतलब जिससे उसकी शादी हुई थी वो मेरे देवर थे? नहीं। सबसे पहले वर्ड टू वर्ड हम बात करते हैं कि शादी उसकी किससे हुई थी, मेरे क्या रिश्ता था, मेरी सिस्टर मेरी जेठानी लगती थी, मेरी जो सासू माँ है उनकी सबसे बड़ी वाली बहन के लड़के, छोटे वाले लड़के से मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, ठीक है। तो पहले हम लोग रिश्ते में देवरानी जेठानी थे, बट वो रिश्ता कुछ ज्यादा टाइम के लिए नहीं था, है ना। और कुछ लोग ये बोलते कि आप तो बड़े खुश रहते हो अपने ससुराल में, तो आपकी सास मत इतने अच्छे से रखती, तो उनकी सास मैंने भी अच्छे से रखा होगा, तो ये 5 है उंगलियां, 5ों बराबर है? जी नहीं, सब 5ों अलग 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 शेप है, अलग अलग छोटी कोई बड़ी है, सब अलग अलग है। तो भैया सबके बिहेवियर भी अलग अलग होते हैं, आज हम 3 बहनें हैं, हम तीनों का नेचर अलग है, बात करने का तरीका अलग है, हमारा गुस्सा अलग है, सारी चीजें अलग है। बहने हैं तो क्या हुआ, तो ऐसे ही वो भी बहने हैं पर चीजें बहुत अलग है। मेरी सासू माँ बहुत अलग है, बहुत अच्छी है, बहुत डिफरेंस है। अगर मेरी सिस्टर की जो एक सासू माँ है वो जमीन है, तो मेरी सासू माँ आसमान है, इतना दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि डाइवोर्स क्यों लिया उसने। भैया उसका तो रिश्ता ही शुरुआत से झूठ पे स्टार्ट करा था। मैं इस व्लॉग में सिर्फ वो चीजें बताऊंगी जो बताना चाहिए, जो जेन्युइनली इस व्लॉग में बताना चाहिए, सिर्फ वही बताऊंगी। फालतू कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बहुत पर्सनल है, जो मैं नहीं बता सकती, जो एक लड़की सहन करके आई है बट वो सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती, क्योंकि वो पर्सनल है, बहुत पर्सनल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई। शुरुआत तो सगाई के पहले से हो गई थी, बट हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मतलब क्या ही था, हम लोग दे ही नहीं पाए। एक तो घर की पहली शादी, मम्मी पापा को इतना कोई नॉलेज नहीं था, ठीक है। जो लड़का, मेरी बहन है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीकॉम एमकॉम, पोस्ट ग्रेजुएट, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है वो, उसकी शादी एक 10वीं फेल लड़के से हुई थी, ये चीज उसको शादी के 2 साल बाद पता चली, ठीक है। मेरे जो ससुर जी थे, मेरी मतलब सिस्टर को जब देखने आए थे, एक वहां से स्टार्ट करते, तब मेरे ससुर जी को नहीं पता था कि ये लोग झूठ बोल के शादी कर रहे हैं मेरी बहन से। हम लोगों को तो यही बोला गया था कि भैया लड़का बीकॉम पास है, बीकॉम किया हुआ है, ग्रेजुएट है, ये चीज हमको बोली गई थी। अब कोई भी आज कोई भी रिश्ते करते तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखता आके कि आप पढ़े लिखे हो तो बताओ आपकी सारी जो डिग्रीज है वो बताओ। पता है कि भैया पढ़ा लिखा होगा, बोल रहा है तो होगा कि भाई 30,000 सैलरी है और ग्रेजुएट है, ये सारी चीजें बोली गई थी। जब मेरे ससुर जी पहली बार देखने गए थे मेरे मामा के घर पे देवास में, जब मेरे ससुर जी ने बोला था कि देखो आपकी लड़की बहुत पढ़ी लिखी है,
हमारा लड़का तो सिर्फ 10वीं फेल है, ये चीज मेरे ससुर जी को नहीं पता थी, उन्होंने जो सच है वो बोल दिया था। तब भी हमारे घर में बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन भाई सामने वाले ने एक एक जो डिग्रीज होती है, जो सारी चीजें सब झूठ बना के रखी हुई थी पहले से, क्योंकि झूठ पे शादी करना थी, पहले से ही करनी थी ना, किससे भी होती झूठ पे करते। तो मेरी सिस्टर की जो एक सासू माँ थी, उन्होंने ये बोल के सारी चीजें बताई थी कि भैया मेरे फैमिली वाले मुझसे बहुत जलते हैं कि मेरे बेटे को मैंने बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया, बहुत अच्छी परवरिश दी, तो इन लोगों से देखा नहीं जाता। किससे? खुद की बहन के पति से नहीं देखा गया। ये चीज उन्होंने ब्लेम की थी मेरे ससुर जी पे, है ना। तब वो मेरे ससुर जी नहीं थे लेकिन अभी है, तो यही बोलूंगी, तब ये चीज ब्लेम की थी, ऐसा है तो इसलिए। तब हम लोगों ने भी सोचा कि नहीं, सब परिवार में ऐसा होता है, कोई ना कोई एक ऐसा जलने वाला होता है जो अच्छे रिश्ते नहीं होने देता, और होता भी है, हर फैमिली में होता है। सारी डिग्रीज दिखाई भाई कि हाँ भाई लड़का तो पढ़ा लिखा है, डिग्री देखी हमने उसकी, मार्कशीट देखी 10th 12th की, बीकॉम की सारी डिग्रीज उसकी देखी है। चलो ये मैटर खत्म हो गया वहीं पे, झूठ बोल के शादी हो गई, शादी हो गई। लेकिन आप झूठ बोल के शादी कर सकते हो, कुछ दिन का दिखावा कर सकते हो, बट आपका जो नेचर है वो आप जिंदगी में कभी नहीं बदल सकते हो। ये लोग ये भूल गए थे कि हम लोगों ने सिर्फ शादी झूठ बोल के की है, हम लोग अपना नेचर कभी नहीं बदल पाएंगे। हर चीज का हमारे सामने दिखावा किया गया था, है ना, हर चीज का। मतलब जब मेरी सिस्टर को देखने, मेरी सिस्टर का घर देखने गए थे, मतलब मेरे पेरेंट्स जब वहां बड़ोदरा गुजरात गए थे देखने के लिए, तो दिखावे के लिए एक जो बोलते ना कर्टन, ये सब भी नए आए थे कि प्रॉपरली घर अच्छा दिखना चाहिए। अब हमको सपना तो नहीं आ रहा कि भैया सामने वाला हर चीज दिखावे के लिए कर रहा है, किसी को नहीं पता होता है। अच्छा घर देखा मेरी मम्मी ने, बहुत अच्छा बिहेवियर करा था हमारी फैमिली के साथ, जो कि सब कुछ एक फेक था। तो भाई मेरी मम्मी मेरे पापा सबको लगा इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे से बिहेव किया भैया, चलो बड़ी बहू है घर में वो भी बहुत अच्छी है, छोटा बेटा है बस इसी की शादी करनी, सास है सिंपल सोबर, बिल्कुल सिंपल नेचर की, जो कि इस पर्सनालिटी से उनका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं था, जो पर्सनालिटी उन्होंने दिखाई थी, बट एक दिखावा दिखावा ही होता है ना। रिश्ते में मेरी सासू माँ लगती हैं, मासी सासू माँ लगती हैं, लेकिन हमारा भी उनसे कोई रिलेशन नहीं है। 4 साल से जब मेरी शादी हुई तब से कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि मेरी सासू माँ को भी ये ब्लेम करती है कि मेरा घर तूने तोड़ा है। कोई किसी का घर नहीं तोड़ता, उनको घर तोड़ना होता तो अपने बेटे का 4 साल शादी नहीं टिकने देती, पर ये चीज़ मेरी सासू माँ को ब्लेम की हुई थी। अभी तक वही ब्लेम है कि भैया तूने हमारा घर तोड़ा है, अपनी बहन को ये ब्लेम किया हुआ है ना। फिर कहाँ से शुरुआत हुई, मेरी सिस्टर की शादी हुई थी पगफेरे के लिए। आप लोगों को पता होगा हरी कास्ट में होता है कि पगफेरे के लिए लड़की अपने घर आती है, तो मेरा भाई बहुत छोटा था, 2016 में शादी हुई थी मेरी सिस्टर की, तो मतलब मेरा भाई बहुत छोटा था, वो अपनी बहन को ले जाने लाने के लिए अबल नहीं था, वो खुद इतना छोटा था कि उसको कोई लेकर आएगा, है ना। अभी वो खुद 20 साल का, शादी उसने जल्दी कर ली 2000 पहले में, आप उसकी एज खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, अभी वो 20 साल का, तो 2016 में उसकी क्या एज होगी। तो पगफेरे के लिए मेरे पापा और मेरे मामा गए, वहां पे जो मेरे बहन का एक्स हस्बैंड था वो मेरे पापा को उठा के बोलता है तू कौन होता है ले जाने वाला, 2 दिन हुए शादी को, 3rd दिन बाप लेने गया है, उसकी ये वैल्यू की थी मेरे पापा की, ये वैल्यू की थी उन लोगों ने ऐसा, और वो भी गेट पे कि तू कौन होता है इसको ले जाने वाला, भाई कहाँ है इसका, भाई हमारे यहाँ भाई आता है लेने। तो मेरे पापा ने बोला कि इसका भाई बहुत छोटा है, वो थोड़ी ले जाने आ सकता है इसको, इसलिए मैं लेने आया हूँ मेरी बेटी को। क्या एक बाप का इतना हक नहीं कि वो अपनी बेटी को लेकर चले जाए, और किसी का भाई नहीं तो क्या तुम उसकी बेटी को ले जाने नहीं दोगे कि भाई पैदा करके लेकर आओ इसका, तब इसको हम ले जाने देंगे। तब मेरे पापा रोते हुए घर आए थे, मेरी बहन को भाई को वापस लेके गए, मेरा भाई छोटा सा था वो अपनी बहन को लेके आया, तब उसको आने दिया था एक रात के लिए, सिर्फ एक रात के लिए, सुबह 8 बजे उसको वापस लेने आ गया था, उसका एक्स जो हस्बैंड था वापस लेने आ गया था, इतना उसको, वो आई थी और आके कंटिन्यू रोई थी, क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता, ताने वाने ये वो जो बहू को पहले के जमाने में मिलते थे ना उस टाइप के, उसको टोंट आउट किया जाता था। मेरी मम्मी ने दहेज का सामान दिया था सारा, जो हर एक पेरेंट्स देते हैं कि हमारी बेटी को शादी के बाद किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े, उसको कुछ खरीदना ना पड़े, बर्तन सारी चीजें, तो ये बोल रहा था कि ये सारा दहेज का सामान बेच के जरूरत की चीजें ले लेंगे। कोई लड़की ये सुनेगी
देखेगी सहेगी कि उसकी माँ बाप ने जो हम लोग गरीब फैमिली से, मेरे मामा बहुत, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, मेरी मम्मी ने मेरे पापा ने एक एक पैसे जोड़ के उसके लिए सारी चीज़ें ली थी। घर की पहली शादी थी, बड़ी लड़की थी तो उसके लिए सारी चीज़ें अरेंजमेंट की थी सब कुछ। और जब उसको दिखा है कि खून पसीने की कमाई से मेरे माँ बाप ने सारी चीज़ें मेरे को दी है और भाई ससुराल में पहुँची है वो चीज़ें, और यहीं थे तब तो, उनका घर बड़ोदरा में था लेकिन एक घर यहाँ पर था, वहाँ वो चीज़ें खुली भी नहीं है ठीक से और आप बेचने की बात कर रहे हो। तब उसने इस चीज़ पे बोला था तो उसको चुप कर दिया था कि ए मेरे घर के डिसीजन मैं लेती हूँ, तू कौन होती है बोलने वाली, आ गया ना तेरा सामान ये भी हमारे घर पे, हम देखेंगे इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। ये चीज़ उसकी सासू माँ ने उससे बोली थी शादी के तीसरे दिन, ठीक है। शादी के तीसरे दिन तो एक लड़की किसी को ठीक से जानती भी नहीं है, वहाँ पर उसके साथ ऐसा बिहेवियर हुआ था। कॉल, मेरी मम्मी का ही फोन आ रहा है, ठीक है ये हो गया। फिर भैया रूल्स ऐसे थे ससुराल में, कैसे रूल्स की एक जो पर्सनल चीज होती है बीवी जो अपने हस्बैंड से बोलती है वो भी वो उससे नहीं बोल सकती, किससे बोलेगी सासू माँ से, कौन ला के देगा सासू माँ। पर्सनल आप समझ सकते हैं क्या क्या चीजें होती हैं एक लड़की की जरूरत की, जो चीजें वो शादी के बाद किससे बोलेगी, पति से कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, मेरे पास ये नहीं तो आप मुझे ला दो, आप नहीं बोल सकते हो पति से, सास से ही बोलोगे सास ही ला के देगी, पति से तो बोल ही नहीं सकते ना, पति के साथ आप अकेले लेने जा सकते हो, पति के साथ अगर आपको कहीं घूमने भी जाना है तो आप दो दिन पहले सास से परमिशन लोगे कि मम्मी जी हम यहाँ जाएं, या ऐसे भी नहीं बोल सकते कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, हम यहाँ जा सकते हैं, सास बोलेगी जाओ तो जाओगे नहीं तो आप बैठे रहो घर में, आपकी नई नई शादी वो बाढ़ में जाए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको वो परमिशन चाहिए। अगर आपको पानी पताशे भी खाने का मन है, अगर आप ये चाहोगे कि मेरा पति मुझे लेके चले जाए, एक अरेंज मैरिज है, मतलब फोन पे बात करना और साथ में रहना दोनों में बहुत फर्क होता है, हर लड़की और लड़का दोनों चाहते हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन भाड़ में गया आपकी शादी आप जानो, आप कर ही नहीं सकते हो ये सब हमारे घर में। पानी पता शिव, अगर आपका खाने का मन है तो आप आपके पति को फोन लगा के नहीं बोल सकते हो, पहले तो फोन कैसे लगाओगे आप, ये चीज भी मैं आपको बताती हूँ, बोल नहीं सकते हो आप, आप किससे बोलोगे सास से, सास फिर बोलेगी अपने बेटे से, फिर बेटा लेके नहीं जाएगा बीवी को, बेटा घर लेके आएगा, ये तो सिर्फ मैं पानी पता शिव का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वो घर लेके आएगा, अगर आपको खाने का मन है तो फिर सब साथ में बैठ के वहां पे खाएंगे, आप पति पत्नी हो ये हमको इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, आपकी नई नई शादी है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे भी, ठीक है। फोन, हाँ फोन कैसे लगाएंगे, आपके पास फोन होगा लेकिन उसमें बैलेंस होगा ही नहीं ना, आप डलवा ही नहीं सकते हो, मेरे घर का रूल है ये, भैया उनके घर का रूल था जो कि उनके सासू माँ ने बनाया था कि दोनों बहुओं के फोन में बैलेंस नहीं होगा, तो दोनों देवरानी जेठानी दोनों के फोन में कभी भी बैलेंस नहीं होता था। आपको आपकी फैमिली में से अगर आपकी मम्मी से पापा से किसी से बात करनी हो तो आप आपकी सासू माँ का फोन यूज करोगे, और वो फोन भी आप अगर यूज करोगे उसमें रिकॉर्डिंग होती है, तो अगर आपके साथ इतना सा भी गलत हो रहा है तो आप वो बता नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग हो रही, बाद में आपकी सासू माँ बैठ के सब सुनेगी कि आपके साथ क्या, आपने अपनी मम्मी से क्या बात करी है, ये उसके साथ होता था, एक नई नई शादी में उसका ये एक्सपीरियंस था, फिर भी ये सारी चीजों को उसने 4 साल झेला है, इसके बावजूद भी बहुत गलत हुआ उसके साथ, ठीक है, जो पर्सनल भी बहुत सारी चीजें हैं। भाई बड़ा भाई अच्छा खासा कमाता है, छोटा भाई क्या करता है, 10वीं फेल है, बड़ौदा में बोला है 30,000 तक सैलरी है हमारी, और भाई काम क्या करता है, 8,000 उसकी सैलरी है, काम करते हैं प्यून का। ये चीज एक लड़की को शादी के एक से डेढ़ साल के बीच में पता चलती, वो भी एक झगड़े में, जो कि बड़ा भाई बोल के बताता है कि तू कमाता ही क्या है, तू तो 8,000 रुपए कमाता है क्योंकि तू 10वीं फेल है। ये चीज झगड़े में वाइफ को पता चल रही कि मेरा पति तो 8वीं पास है, 10वीं फेल है मेरा पति, तो आपको शॉकिंग नहीं लगेगा कि एकदम से क्या हो गया, मतलब कितनी बड़ी बात होती है ये, ठीक है। तभी भी घर वालों को जब ये चीज पता चली, चाहती तो वो उसी टाइम डाइवोर्स ले सकती थी कि मेरे को झूठ बोल के धोखाधड़ी से शादी की है, और कोर्ट में अच्छा खासा केस उसके साथ में लगा सकती थी, और वो जाता भी, अंदर भी जाता, क्योंकि सारे उसके डॉक्यूमेंट्स फेक थे, सारी उसकी डिग्री फेक थी, 10th 12th की जो उसकी मार्कशीट थी वो फेक थी, कर सकती थी, पर उसने नहीं किया, मेरे घर वालों ने नहीं करने दिया, क्या बोला, नहीं बेटा ठीक है झूठ बोल के शादी हो गई, क्योंकि ये सारी चीज जब मम्मी को नहीं पता थी कि उसके साथ ये सब भी होता है, ठीक है बेटा पति है शादी हो गई रहना तो पड़ेगा, ठीक है झूठ बोल के शादी करी, इस बात पर तलाक तो नहीं ले सकते, ये मेरे पेरेंट्स ने उसको समझाया था, तो वो फिर भी रही,
पर एक ये चीज भी होती है कि ससुराल कितना भी बुरा हो, पति अच्छा हो तो लड़की सब सहन कर लेती है, पति अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन उसका पति 1% भी अंडरस्टैंडिंग नहीं था। मेरी मम्मी जो बोलेगी वही होगा, मेरी मम्मी जो बोलेगी इस घर में वही होता है, आप इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। मेरे साथ आके शिकायत करना ही मत कि मेरी मम्मी क्या कर रही है आपके साथ दिन भर। पत्नी के साथ दिन भर इतना कुछ हो रहा जो सास कर रही है, शाम को अगर पति आएगा तो वो रो के किसको बताएगी भाई कि मेरे साथ आपकी मम्मी ने ऐसा करा या मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ पे जिस लड़की, जो लड़की बहुत सीधी थी मेरी बहन और अभी भी बहुत सीधी है, उसको आप LIG बोल दोगे ना, तब उस टाइम पे 2016 में कॉलेज पास की हुई लड़की, तब आप उसको ये बोल दोगे ना कि आपको अकेले LIG से जाके कुछ चीज लेके वापस आना, वो भी नहीं कर पाती थी उस टाइम में। वो एक दूसरे शहर से दूसरे शहर में चली गई थी, ठीक है, उसका तो बल्कि MP चेंज हो गया था, MP से ही बाहर हो गई थी वो, बड़ोदरा में चली गई थी वो। वहां पे कोई अपना नहीं है, वहां पे हमारा उसके मायके साइड से कोई भी नहीं था, ससुराल साइड से भी कोई भी नहीं था, सिर्फ वो लोग ही रहते थे वहां पे। और यहाँ से भाई बंदा गया भी क्यों था, गुंडागर्दी करते थे तो उनके जो मामा जी थे वो उनको लेके गए थे कि गुंडागर्दी से बच के अपना करियर बना पाए, इसलिए वो गए थे, इसलिए पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए 8वीं पास थे, इसलिए मामा जी ये सब चीजें तो किसी को नहीं बता दी। तो भाई किसको बताएगी बीवी अगर उसके साथ कुछ हो रहा है, तो वो किसको बताएगी, पति को बताएगी, पर पति ऐसा है जो समझने को तैयार नहीं है। वो अपनी शादी दांव पे लगा सकता है लेकिन आपको समझेगा नहीं, उसको एक अच्छी बीवी मिली उसको समझेगा नहीं। मेरी बहन उससे लाख गुना अच्छी थी, पढ़ाई में, अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, अगर जॉब में कमाती उससे ज्यादा थी, एक टाइम पे जब वो जॉब करती थी तो उससे ज्यादा कमाती थी। 20,000 रुपये इन हैंड मेरी सिस्टर को मिलते थे उस टाइम पे 2016 में जब वो जॉब करती थी। उसकी शादी कैसे इंसान से हुई जिसकी मात्र 8,000 रुपये तनख्वाह, फिर भी वो रही। ये सारी चीजें थी जो मेरी सिस्टर, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मैं बता ही नहीं सकती इसमें वो जो सारी चीजें जो उसके साथ थी। भैया फिर ये हुआ कि फिर उसने घर पे बताया, जब 1.5 साल हो गया ये सारी चीजें हुई, तब उसने सारी चीजें बताना स्टार्ट करी। आप मायके नहीं जा सकते हो, आप मायके भी आपकी सासू माँ चाहेगी तो आप जाओगे, अदरवाइज आप नहीं जाओगे। सॉरी, मेरी मम्मी फोन लगा के बोलती थी कि भाई समदन लेने आ जाऊं मैं मेरी लड़की को, क्यों काई के लिए, ऐसे कैसे लेने आ जाओगे, किससे पूछ के लेने आ जाओगे, ये जवाब होते थे मेरी मम्मी को जो मिलते थे। मेरी मम्मी फोन लगा दी तो इस तरीके से जवाब देते थे, आओ कोई नहीं मिलेगा, ताला मिलेगा घर पे अगर मेरे घर पे इसको लेने आ गए तो, क्यों तुम्हारा, हमारा हक नहीं है हमारी बेटी पे, सारा हक तुम्हारा ही हो गया जो तुम ताला लगा के चली जाओगी, और कितना कर लोगी किसी लड़की के साथ। और पति एक शब्द नहीं बोलेगा, पति उल्टा ही बोलेगा कि तू ही गलत है, मेरी माँ तो सही है, मेरी माँ तो सही करती, तू ही गलत करती। अगर आप राखी पे आपके घर आ रहे हो तो आपको राखी दिला के भेजेंगे, आपको रुमाल भी दिला के भेजेंगे, आपको नारियल भी दिला के भेजेंगे बड़ौदा से यहाँ तक। और अगर आपको पैसे चाहिए एक्स्ट्रा तो आपको नहीं मिलेंगे, आपको कितने रुपए मिलेंगे, 500 रुपये, क्यों देना है ज्यादा पैसे, सास बोलेगी क्यों देना है, राखी दिला दी, रुमाल दिला दिया, नारियल दिला दिया, सब तो दिला दिया जो राखी पे लगता है, मिठाई भी दिला दी, पैसे की क्या जरूरत है, उसको पैसे की कोई जरूरत नहीं हो सकती भाई, वो अपने मायके जा रही है, माँ से मांगेगी। ऐसे तो तुम हर चीज का हक दिखाते हो कि मायके क्यों जाएगी, सारी चीजों का हक हमारा है, तो फिर वो मायके जाएगी तो माँ बाप से पैसे मांगेगी कि वो हक तुम्हारा नहीं है देने का, नहीं बिल्कुल नहीं है। ऐसी सिचुएशंस होती थी, एक मतलब उसकी जिंदगी ऐसी ऐसी से ऐसी कर दी थी बिल्कुल, ये सब सारी चीजें उसके साथ हुई है। पति ने भी बहुत किया उसके साथ, अलग वो हुई चलो कि ठीक है मैं अलग होके रहूंगी, अलग होके पति को कमाना ही नहीं है। मेरी सिस्टर ने पार्लर का कोर्स सीखा तो ये बोला कि भाई मेरे पास तो ना भरने के, ना मेरे पास रेंट भरने के पैसे हैं, ना काय के पैसे, मेरी सिस्टर पूरी पूरी मदद करती थी, जो भी उसके पैसे आते थे दोनों मिलके करते थे, जबकि ये सब पति का होता है, उनको कमाना ही नहीं है, क्या कमाएगा भैया बंदा जब वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो कहाँ जॉब करेगा, क्या जॉब उसको मिलेगी। फिर भी मेरी बहन रह रही थी, बट जब ज्यादा होने लगा, बहुत ही ज्यादा, इससे भी ज्यादा अत्याचार उसके साथ में होने लगा। और सबसे बड़ी बात ये कि लोग बोलते हैं कि भैया आप आपका बच्चा छोड़ गया, कौन सा बच्चा, किसने देखा उसका बच्चा था, मतलब वो टिकटॉक के टाइम पे उसकी जेठानी के 2 बच्चे हैं, 2 लड़के थे, हैं भी,
तो जो छोटा वाला लड़का था 6-7 महीने का था, तो उसने तू कितनी अच्छी, तू कितनी भोली, प्यारी प्यारी है ओ माँ, इस पे वो छोटे वाले लड़के के साथ वीडियो बनाई थी, क्योंकि वो उसका अटैचमेंट था उससे। जेठानी का लड़का है, बचपन से उसको देखा है, तो भैया पैदा उसके सामने हो तो उसका अटैचमेंट, उसने बनाई उसके साथ वीडियो। तो लोगों ने ये बोला, उसने ये लिखा था मेरा बच्चा, ऐसा तो नहीं लिखेगी कि ये मेरा जेठानी का बेटा है पर माँ वाली वीडियो मैंने इसके साथ ऐसे ही बनाई है, ये सब कैप्शन में तो नहीं लिखेगी ना वो। उसने लिख दिया मेरा बच्चा, तो लोगों ने तब से ये बोल दिया भैया अपना बच्चा छोड़ के भी आ गया, आप अपने बच्चे के बिना कैसे रह सकते हो, जब आपको पता ही नहीं तो आप इतनी बकवास कर कैसे सकते हो, कैसे कर सकते हो। और ये भी मैं बता दूं कि दोनों बहुएं अब उनके ससुराल के साथ नहीं रहती। मेरी बहन का तो फाइनली डिवोर्स हो गया, जो बड़ी वाली है उसके पति ने उसके साथ बहुत किया, पर ये व्लॉग उनके लिए नहीं है, बट हाँ उन्होंने भी बहुत, उन्होंने मेरी सिस्टर से ज़्यादा सहन किया है, मेरी सिस्टर ने जितना किया होगा उससे डबल उन्होंने सहन किया, और आज वो भी अपने मायके में है, वो भी डाइवोर्स ले रही है दो बेटे होने के बाद। एक एक के साथ गल एक गलत हो सकती, दोनों गलत हैं, दोनों ही बहुएं गलत हैं और आप सही हो अगर लोग ये बोल रहे हैं तो। फेक आईडी बना बना के मेरी सिस्टर से वीडियो पे जो लोग कमेंट करते हैं कि भैया पति को छोड़ के आगे बच्चे को छोड़ के आगे, हमको पता नहीं है कि फेक आईडी बना बना के आप लोग कर रहे हो, कितने दिन बकवास कर लोगे। जिन लोगों को जेन्युइनली कंसर्न है ये व्लॉग सिर्फ उनके लिए है, बाकी जिनको बकवास करनी है आओ करो जाओ, आपके कमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं मेरी सिस्टर को भी ये बोलती हूँ कि ऐसे लोग आते हैं ये कुत्ते होते हैं भोंकते हैं पीछे, और मुझे बहुत सारे वीडियोज में भी लोग बोलते हैं कि दीदी ऐसे कुत्ते होते हैं भोंकते हैं आप जाने दो, पर मैं नहीं, मेरी सिस्टर को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जो उसके साथ जो उसने किया ही नहीं है, जो उसके साथ हुआ ही नहीं, वो चीजें जब बोलते ना लोग, तो जब एक लड़की के साथ जो बीती हुई है जब वो नहीं बता पाती, एक्सप्रेस नहीं कर पाती, लोग उसको ब्लेम कर रहे होते तो बहुत बुरा लगता है। तो ये सारी चीजें हैं जो उसके साथ हुई हैं, अब डाइवोर्स हो गया है, बहुत सारी चीजें मैंने नहीं बताई हैं इस व्लॉग में जो मुझे बताना चाहिए था, एक अपर अपर चीजें जो मतलब जो एक्चुअल बताना चाहिए थी वही बताई, कुछ चीजें बहुत पर्सनल है वो नहीं बताई है। और अगर मैं सारी चीजें और भी छोटी छोटी सारी चीजें बताने बैठूंगी तो मुझे इस ब्लॉग के 5 पार्ट करने पड़ेंगे, पर मैं नहीं चाहती, मैंने सिर्फ कुछ चीजें बताकर ये ब्लॉग एंड करूंगी कि जो चीजें बतानी चाहिए सिर्फ वही कि ऐसा ऐसा। और ये चीजें भी अगर आप इस चीजों से भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये अगर हो रहा है तो एक लड़की के साथ कितनी ज्यादा अपर लेवल पे मतलब उसके साथ टॉर्चर हो रहा है, आप लोग समझ सकते हो, जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं वो। और अगर उसने शादी की है तो करेगी, उसकी लाइफ है, भगवान ने उसको एक जिंदगी दी है, रो रो के उसके साथ क्यों बिताएगी। अगर आपके साथ हो रहा और अभी भी लोगों के साथ हो रहा, लड़कियां सहन कर रही हैं, पर वो नहीं करेगी। हर लड़की को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ये सब सहन नहीं करना चाहिए। उसने भी 4 साल सहन करने के बाद 5वें साल में स्टैंड लिया कि हाँ उसको करना था। 1.5 साल पहले वो वहां से यहाँ आई थी, डाइवोर्स की सारी प्रोसेस चली, सामने वाले बंदे ने भी शादी कर ली है, मेरी बहन के पहले उसने शादी कर ली थी, मेरी बहन ने भी शादी कर ली, दोनों को हक था अपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। पहली बात तो वो इंसान जब मेरी बहन को खुश नहीं रख पाए, किसी और को आई डोंट नो रखेंगे या नहीं, पर मेरी बहन को एक बहुत अच्छा खुश रखने वाला लाइफ पार्टनर मिला है, जिसका मैंने पूरा व्लॉग भी बनाया उसकी शादी का, होपफुली मैं जल्दी से उसको एडिट करके डाल पाऊँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजी सा शेड्यूल था, मैं मायके में थी अभी घर आई हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी जो बतानी थी, जो मेरी सिस्टर चाहती थी कि हाँ मैं अब बता दूँ, तो इसलिए मैंने बताई है। पर इस व्लॉग को देखने के बाद जिनको गलत बोलना वो गलत ही बोलेंगे, आप उनको कितना उनको ऐसे प्रूफ भी बता देंगे, जिनको गलत बोलना वो गलत ही बोलेंगे, बट जिनको जेन्युइनली कंसर्न था वो इतनी चीज़ें सुनने के बाद अंडरस्टैंड कर लेंगे कि उसके साथ कितना गलत हुआ होगा। तो बस यहीं पर मैं ये व्लॉग एंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत जितना बताना था वहाँ लिमिट हो गई, मैंने बता दिया, अब आप लोग अंदाजा खुद लगा सकते हैं। अभी फाइनली मेरी सिस्टर इन सब चीजों से आगे बढ़ चुकी है, उसने अपनी लाइफ में शादी कर ली, आगे बढ़ गई, बहुत खुश है। वो नहीं आना चाहती थी व्लॉग में क्योंकि वो बोल ही नहीं पाती, क्योंकि वो अभी उसकी रिसेंटली शादी हुई, बहुत खुश है, वो वापस अपना पास्ट याद करती तो वो फिर से डिप्रेस्ड हो जाती, डिस्टर्ब्ड हो जाती, इसलिए वो नहीं आना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको फोर्स भी नहीं किया, मैंने खुद बता दिया। अब इसकी शादी का व्लॉग मैं जल्दी से एडिट करके डाल दूंगी, और भी व्लॉग्स आने वाले हैं, अभी मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक्टिव रहूं, क्योंकि अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है प्रेगनेंसी में जो रहती है, बट मैं जल्दी बताऊंगी क्योंकि लोगों को ये भी है कि मुझे कौन सा मंथ है, मेरी डिलीवरी डेट, तो मैं जल्दी आप लोगों के साथ लेकर के आऊंगी कि मेरा कौन सा मंथ है, मेरी डिलीवरी डेट कब की है, मेरी सिस्टर की शादी, और भी बहुत सारे व्लॉग्स आ जाएंगे। तो यहाँ ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पे भी अगर किसी को मेरी वीडियोस देखनी है तो वो देख सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है mishuroshan1509, वहाँ पे मेरी सिस्टर की शादी जो हुई है अभी उसके कुछ वीडियोस आएंगे वहाँ पे इस व्लॉग के बाद,
और उसकी आईडी पे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस वो पोस्ट करने वाली है, जो उसकी न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है उससे रिलेटेड उसके बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स, जो आप उसकी आईडी पे भी जाकर देख सकते हैं। और थैंक यू अंडरस्टैंड करने के लिए जिन लोगों ने किया है, और जिनको नहीं करना है वो टाटा बाय बाय नहीं कर सकते हो आप लोग, क्योंकि जो उसके साथ हुआ आप वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते जो उसने सहन किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, धन्यवाद।